बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने पाकिस्तान की इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी को मजीद चार चांद लगा दिए हैं। हमने एक दिन उनके साथ गुजारा और यूनिवर्सिटी में किए जाने वाले इकदामात पर खास तौर पर गुफ्तगू भी की। उर्दू पॉइंट की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। टेबल पर हम आ गए हैं और डॉक्टर साहब के साथ आज हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते में क्या क्या बनाया है, कैसा बना है, ये सब टेस्ट भी करेंगे। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के बारे में बताइए, फैमिली नज़र नहीं आ रही। जी मेरी फैमिली इस वक्त यहाँ नहीं है, मिसिस तो मेरे साथ होती थी यहाँ, छोटा बेटा भी, लेकिन वो मेरा छोटा बेटा जो मेरे तीन बेटे हैं और एक बेटी है। अच्छा, तो बड़ा जो है फ्रांस में PhD कर रहा है माशाल्लाह मैनेजमेंट साइंसेज में। बेटी ने स्कॉटलैंड से MS किया तो शी गॉट जॉब इन शिकागो, वहाँ चली गई। बच्चों में लाडला कौन सा है सबसे ज्यादा? लाडला जो है ना मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बेटी लाडली है बेटी। अच्छा, आई मस्ट कन्फेस। अच्छा, और मुझे गए गए वाइफ कहती भी है कि तूने इसको बहुत सर पे चढ़ाया। ओके, अच्छी बच्ची है। डॉक्टर साहब नाश्ते में क्या ज्यादा पसंद है? नाश्ते में जो मिल जाए, मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह का शुक्र करे जो मिल जाए, लेकिन दही हो, गर्मियों में दही हो, लस्सी हो, टोस्ट हो, अंडा हो, बस यही है, या फिर लस्सी ना हो तो चाय हो। कोई खसूसी फरमाइश इतना मैंने वो मैं नहीं हूँ, मैं उतना खाने वाला नहीं हूँ। अच्छा। बचपन से, लेकिन बहरहाल मेरा नाश्ता यही है और साथ सेब एक रोज खाता हूँ मैं, जो मौसमी फल होते हैं वो खरीद, वो अब तो शुक्र है ऐसी मैं एक पोस्ट पे बैठा हूँ, लेकिन शुरू में कभी कभी कुछ फ्रूट ऐसे होते थे दिल चाहता था लेकिन नहीं खरीद सकते थे। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? ये जब मैं लेक्चरर था। अच्छा। मैं लेक्चरशिप मैंने एडहॉक पे शुरू की सितंबर 79 में। अच्छा। मैंने पहला लेक्चर 17 सितंबर 79 को दिया MA प्रीवियस को। फिर 6 महीने बाद मैं रेगुलर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। सही। मैंने अक्सर कहा एंड आई फील प्राउड कि मैं जो कुछ हूँ यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की वजह से हूँ। डॉक्टर साहब ओवरऑल जब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो ओवरऑल कितने सालों का एक्सपीरियंस है? देखें जी, सितंबर 79 से लेके आज तक मैं एक दिन भी रिटायर तो हुआ, मैं 15 में 60 पूरे करके, लेकिन सर्वे से रिटायर नहीं हुआ। अच्छा। अभी रिटायरमेंट में कुछ दिन थे, मैंने दरख्वास्तें दे दी नमल NDU एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अच्छा। फॉर टीचिंग। सही। तो NDU डिड नॉट ऑफर मी। ओके। मेरा पहले शौक वहीं था। ठीक है। क्योंकि मैंने फौजियों को पढ़ा, मैंने 8 साल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया है, कोऑर्डिनेटर था, 2 सिंडिकेट मैं पढ़ाता था, बाकी 20 को कोऑर्डिनेट करवाता था सिविलियन फैकल्टी से। 9 में मैं नवंबर में VC गोमल लग गया था। अच्छा, जबरदस्त। मैं 4 साल कुछ ज्यादा VC गोमल भी रहा हूँ, मैं DI खान का तो वो की। तो बहरहाल जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि एज इस वक्त मैं अगस्त में जी 30 अगस्त को 66 हो जाऊंगा माशाल्लाह, अगर जिंदा रहा माशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी दी। नाश्ते का आगाज करें। आज मैं दही की जगह ऑमलेट और एक टोस्ट लूंगा। ओके।
डेली बेसिस पर जो डाक आती है उसको वीसी साहब खुद देखते हैं। आज की जो डाक है अच्छी खासी है, ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो वो डाक है जो मैं चेक कर चुका हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ केसेस डिस्कस होंगे जी अपने सेक्रेटरी से या रजिस्ट्रार साहब से। सही। इसके बाद फिर और डाक आ जाएगी। डाक से मुराद छोटी पिटीशन होती है, कोई अप्रूवल होती है। सही। तो आपको मैं बताता जाऊं कि BZU पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, साउथ पंजाब की नंबर वन, 58 डिपार्टमेंट हैं जी, 8 फैकल्टीज हैं, 3 कैंपसेस, पहले 5 थे, 2 यूनिवर्सिटियां हो गई, डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी और साईवाल। अब इसमें ये देखना होता है, कुछ मैं अप्रूवल दे चुका होता हूँ, जो कुछ ये कि बिल्कुल नहीं दी होती। अच्छा। साइन मैं कर लेता हूँ, मेरा अपना स्टाइल है, जैसे हर शख्स का एक अपना लीडरशिप स्टाइल होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं उस पे रजिस्ट्रार या उससे बात कर लेता हूँ, फिर या उसको पेंडिंग कर देता हूँ या नेक्स्ट टू प्रोसेस या अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है। बात यह, नो मैन इज एन आइलैंड। यस। इंसान फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव सीखता है। सही। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो फाइलिंग में नहीं चलता। अगरचे मैं आपको शायद बताया, मैं पहले गोमल का वीसी रहा जी, वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। ये 3 यूनिवर्सिटीज की थोड़ी हिस्ट्री बताता जाऊं जी। ये भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, गॉड ब्लेस हिज सोल, उसने एक स्ट्रोक से ये बनाई थी जी। तो सबसे पहले गोमल लॉन्च हुई, एक साल के बाद ये लॉन्च हुई जी, और फिर बहावलपुर, वो मैंने वर्डिंग भी उसकी पढ़ी थी जी, उस मदर जी जो कॉपी मैंने देखी। फिर इन दो के नाम चेंज हो गए। सही। जब ज़ियाउल हक का रिजीम था तो नाम चेंज हो गए, गोमल वैसे रही। तो काफी डार्क होती है। अब हम जा रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के उस जंगल की तरफ जिसको आबाद किया गया है और बागात की शक्ल दी गई है। जी तो जनाब, उस जंगल में हम मौजूद हैं जिसको आबाद करने की काविश है, और जैसे कि हम जानते हैं कि इमरान खान साहब की ये काविश है, उनका ये विजन है कि ग्रीन जो ट्रीज़ हैं जो उनको बढ़ाया जाए, तो उस पर बिल्कुल अमल दरामद हो रहा है। देखें जी, ये तकरीबन 17 एकड़ है और पीछे 27 एकड़ है। अच्छा। 27 एकड़ को तो हम आउटसोर्स करेंगे, लेकिन ये मैंने, इसका फॉरेस्ट है। अच्छा। और मेजोरिटी ऑफ द ट्रीज जो है ना वो फ्रूट है। अच्छा। आम, जामन, और हमारी हेल्प की जो लोधा पायलट प्रोजेक्ट है जी, उन्होंने हमें पौधे दिए, हेल्पिंग अस, हमारा अपना ह्यूमन रिसोर्स है जो यहाँ लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप जिंदगी रही तो 2 साल के बाद आप देखेंगे ये थिक जंगल होगा। थोड़ा सा मुझे ट्रीज के बारे में बता दें कि कौन कौन से ट्रीज हैं। देखिए जी, मेक इट सिंपल, मैं आपको ऐसे जो बोटेनिकल नाम गिनवाऊं तो आम बंदे को समझ नहीं आएगी। आम है, ऑरेंजेस हैं, और जामन है, और ये जो मोटा बेर है वो हमने भावलपुर से इम्पोर्ट किया है, उसमें हड्डी बारीक होती है जी, वो है। और इसमें कुछ मोरिंगा हमने लगाया, चूंकि हमारा डिपार्टमेंट है प्लांटेशन का जी, तो उनकी कोशिश थी। और इंशाल्लाह जुलाई में मैं ढकी की खजूर मंगवा रहा हूँ। अरे जबरदस्त। वो पौधे एक बड़े एक्सपेंसिव है, एक पौधा 20,000 का है। अच्छा। लेकिन वाइस चांसलर जो है वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उसने कहा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा अपनी नर्सरी। जी तो जनाब, अब हम आ गए हैं गार्डन के उस हिस्से में जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, और जितना भी स्टाफ है और स्टाफ के जो बच्चे हैं वो शाम अपनी यहाँ पर गुजारते हैं और एंजॉय करते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से ये जानते हैं, डॉक्टर साहब आप खुद भी आते हैं यहाँ? मैं बहुत आता हूँ यहाँ जी, और मैं आपको एक हकीकत बताऊँ, मेरा बच्चों के साथ बहुत दिल लगता है। अच्छा। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अब 6-8 साल मेरी उम्र है, मैं इस प्ले ग्रुप से निकला हूँ, मैंने फिर सही खुशी नहीं देखी। अरे, या वो जो केयरलेस लाइफ थी। सही। वो जो खुशियों के दिन थे जी, मतलब है जेब में एक टक्का ना होता था, हम कहते थे हम प्रिंस हैं। अच्छा। तो वो फिर मतलब, तो मेरा यहाँ अच्छा बच्चों के साथ वक्त गुजरता है। और सही। ये जो हमारे लोअर एम्प्लॉयड, लोअर क्लास है, वो यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ
جھولوں کی کمی تھی۔ پھر ایک دن ظفر صاحب سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں آپ کو لا دیتا ہوں، وہ جدھر سے بھی لایا تو ہم نے لگایا، اور اس دن یہاں میلہ تھا، عید تھی، یہ تو اسکول کھل گیا ہے۔ آپ کو وش کہ میں وہ اسکول بھی یونیورسٹی کا دکھاؤں جہاں ڈرائیوروں کے مالیوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور میں بڑی توجہ دیتا ہوں اس پہ، یہاں کافی رونق ہوتی ہے جی، کافی رونق۔ ڈاکٹر صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں اب؟ یہ ہم جا رہے ہیں کامرس ڈپارٹمنٹ، جو کہ یونیورسٹی کا ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اور آج اس کی ایک بلڈنگ کا افتتاح ہے۔ اوکے، وہاں لے یہ ہماری جی ڈاکٹر ریانا صاحب ہیں، سینئر پروفیسر ہیں، ایکس ایچ او ڈی کامرس ڈپارٹمنٹ، جو ہماری مطلب ارننگ اور ویل ڈسپلن ڈپارٹمنٹ ہے۔ صحیح، کیونکہ یہ بات چلتی ہے مطلب جب انکم، تو ہر ڈپارٹمنٹ کما نہیں سکتا، بس کماتے ہیں، تو یہ ان ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کس چیز کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جی کامرس ڈپارٹمنٹ کی ایکسٹینشن ہے بلاک کا جی، جو پچھلے 1.5 سال سے اس پہ کام ہو رہا تھا، اور اس کی پیکولیرٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سیلف فائنانس سے، ایوننگ پروگرام سے انہوں نے کما کے یہ بنایا، تو یہ مطلب ایک اچیومنٹ ہے۔ بالکل صحیح، تو افتتاح کرتے ہیں۔ انہوں نے ماشاء اللہ اس یونیورسٹی کو بہت کنٹریبیوشن دی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے اور آمین، اجر اس دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین۔ میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اسٹوڈیو نہ ہو تو وہ نامکمل ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو میں ہم آ چکے ہیں، کتنا عرصہ ہوا ڈاکٹر صاحب اس کو بنے ہوئے؟ یہ فلیگ شپ ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے، بہت پرانا ہے، یہاں کا اور گومل کا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہر چینل میں جی، ہر بڑے چینل میں جو اینکرز ہیں یا وہ یہاں کے گریجویٹس ہیں، جیسے حریدہ فاروق ایسے 3-4 اور نام میں گنوا سکتا ہوں، میجورٹی یہاں کے گریجویٹس ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے اپنا یہاں پہ وزٹ چکر ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے یا ویکلی؟ ڈیلی بیسس پہ تو نہیں ہوتا، لیکن میں مطلب سرپرائز وزٹس کرتا رہتا ہوں، جو کہ لیڈرشپ کا ایک ہے کہ پارٹیسپینٹ رول، تاکہ یہ پتا چلے کہ وی سی کہاں ہے، اور وی سی کا جو پارٹیسپینٹ رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ اکثر پروفیسرز میں سمجھتا ہوں ود 100 اپالوجیز پورے نہیں اترتے۔ مطلب اس کو ہاسٹل جانا چاہیے، اس کو رات کو گارڈ کو چیک کرنا چاہیے، یہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی باغ ہے ان کے مالیوں کو سرپرائز وزٹ، تو یہ ہوگا۔ جیسے کہ پہلے وی سی صاحب سے ہم نے باقاعدہ پورے جو یونیورسٹی ہے اس کا وزٹ کیا، جہاں پر وی سی صاحب پورا پورا دن گزارتے ہیں، اور اب ہم موجود ہیں اسی یونیورسٹی کے شیڈ ہاؤس میں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اپنے شیڈ کے حوالے سے، وزٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گائیڈ لائن بھی دیجیے۔ دی ہینڈز آن دی ٹریننگ آف دی اسٹوڈنٹس، وی ہیو اسٹیبلشڈ دی اسٹیٹ آف دی آرٹ لائف اسٹاک فارمز، جس میں ڈیری فارم ہے، شیپ فارم ہے، گوٹ فارم ہے، اور یہ جو ہے that is the environment control poultry house, ye humne recently established kiya hai for the hands on training of the DVM and the BSc honors poultry science. yahan par safai ka bada khayal rakha gaya, neat and clean environment hai. uski reason ye hai ki ye poultry house hai, yahan it cannot be afford ke bhi yahan kisi kisam ki jo unki litter hai, jo unki waste hai, ye 100% automatic shed hai, jisme feed se leke feed hai, pani hai, even waste وہ بھی آٹومیٹیکلی یہ ریموڈ ہوتی ہے۔ اور اس سے سب سے اس فارم کی اچھی بات یہ ہے یہ لوکل میڈ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم یہ جو جتنا اکوپمنٹس ہیں انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤس کا، یہ باہر سے امپورٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ فیصل گروپ آف کمپنی کے اشتراک سے یہ یونیورسٹی نے یہ جو لوکل میڈ یہ جو اکوپمنٹس ہیں یہ ہم نے انسٹال کیا ہے، اور یہاں کی جو کمیونٹی ہے جس میں ٹیچرز ہیں، امپلائیز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم یہ کنٹرول ریٹ پہ یہ جو ایگز ہے یہ ان کو سیل ہوتے ہیں۔ یو ول سی کہ جو ہی ایگ لینگ ہوتی ہے تو تھرو بیڈ جو ہے دیٹ از بالکل اور باقاعدہ یہ ایک آ بھی رہا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے یہ ریکویسٹ کروں کو کیپچر کیجئے کہ انڈا کس طرح سے، جیسے ہی انڈا جو ہے وہ اس مشین میں آتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پر آ جاتا ہے، بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اٹھائے۔ کتنے پیسے لگے اس شیڈ کو تیار کرنے میں، اسٹارٹ کرنے میں اور رننگ میں آنے میں؟ اس میں ایسے ہے یہ جو انفراسٹرکچر ہے، ٹوٹل جو ہے وہ انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس ایک یہ تقریباً
34 crore का एक प्रोजेक्ट था अंडर BZU स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट तो था विच इज HEC और उसमें से एक शेड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बनाया था। बाकी ये जो इक्विपमेंट्स है ये तकरीबन जो है ये 20 लाख से ऊपर का है। जो रोज है वो हमने अपने ओन रिसोर्स से जो है वो एस्टेब्लिश की। प्रोफेसर डॉक्टर अकबर कुंडी साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा दिन गुजरा आपके साथ। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आप आए। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।